एबीपीएस न्यूज टीम का पड़ाव आगे बढ़ते हुए ब्लॉक बिलारी स्थित बकैनिया गांव पहुंचा। लगभग 2350 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्तमान समय में इस गांव के प्रधान कांति देवी हैं। वर्तमान प्रधान ने इस गांव में अनेक तरीके से विकास कराया है। प्रधान ने गांव में सीसी सड़कों का निर्माण करवाया है, इसी के साथ गांव में पथ प्रकाशन की व्यवस्था भी पूरी कराई है। उन्होंने बताया कि गांव में उन्होंने सड़कों की साफ सफाई के लिए कूड़ेदान की व्यवस्था भी करवा रखी है, जिससे ग्रामीणों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। बात अगर शिक्षा की करी जाए तो इस गांव में प्राइमरी व जूनियर पाठशालाओं में लगभग 225 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते नजर आए। ये वही बच्चे हैं जो कल हमारे भविष्य बनेंगे। इस गांव में ग्राम प्रधान कांति देवी ने बताया कि कुल राशन कार्ड धारकों की संख्या 276 है, जबकि विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन व विकलांग पेंशन के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थियों को पूरा लाभ प्रदान किया जा रहा है। गाँव में बिजली पोलों की संख्या 150 तो इसके एवज में बिजली ट्रांसफार्मर केवल एक ही नजर आया। प्रधान प्रतिनिधि ने कैमरे से बात करते हुए बताया कि गांव में अभी भी पंचायत भवन व 2 आंगनवाड़ी केंद्रों की भी आवश्यकता है। श्रीमती कांति देवी की ग्राम प्रधान बगनी जानपुर से उनका पुत्र श्री विश्राम सिंह यादव, हमने अब तक अपने गांव में बहुत सारे काम करा दिए, जैसे कि मान लो 5 या 6 सड़कें डलवा दी, सीसी टाइल्स वगैरह का काम कराया था, और गांव के जो नल खराब थे उनमें सारे जो पाइप वगैरह नए डलवाए और भी मरम्मत कराई। ये तो नलों का काम चलता ही रहता है। इसके बाद में और समस्याएं बहुत आ रही हैं, क्योंकि काम हम पूरी तरह से आज़ादी से नहीं करा पा रहे हैं। कारण ये है, कभी कोई रोक लगा देता है, कभी कोई रोक लगा देता है। पेशावर में जो आदेश आया था फिलहाल में कि फिलहाल सरकारी स्कूलों का ही काम होगा, चाहे गाँव में कितना भी काम खराब हो, गाँव में कोई ग्राम पंचायत में कोई काम हम विकास नहीं करा सकते, तो इसलिए हमारा इस समय सरकारी स्कूल पर काम चल रहा है। और उसके साथ साथ और समस्याएं भी हैं, जैसे कि हमारे यहाँ संतान घाट की कोई व्यवस्था नहीं है सही, और पंचायत भवन भी नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं है, और काम करने के लिए पूरी आज़ादी नहीं मिल पा रही। जिस तरह से काम होता है, मंडे का ही काम जो है सारे बंद पड़े हैं, उनका पेमेंट आता है 1 साल में 8-8 महीने में, मतलब 10 महीने। और भी जो है बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसा कि हम पेंशन बनवाना चाहें या राशन कार्ड बनवाना चाहें तो कोई भी अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वहीं ग्रामीणों ने कैमरे के सामने आकर बताया कि ग्राम प्रधान तो विकास कार्य सही तरीके से कर रहे हैं, लेकिन अभी भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार से पैसा पूरी तरीके से नहीं आ पा रहा है। ग्राम बगैनी चांदपुर निवासी हरविंदर मेरा नाम, हमारे मौद प्रधान जी हमारे यहाँ गाँव में काम सही करा रहे हैं। इस समय भी काम सही करके चल रहा है, स्कूल पे भी चल रहा है, गांव में भी काफ़ी काम कराया है, माल भी सही दिन सही करके लगा रहे हैं, 3-1 का माल चल रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक हमारे गांव में।